नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के तीसरे सीट पर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि ये आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। ऑप्शन ए सही है, अर्ग, जबकि एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर दो, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जबकि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या मीटर में अगर देखेंगे तो 3.08 × 10⁻⁙ मीटर। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक एग्जा बराबर होता है, ऑप्शन ए सही है, 10⁻¹८। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में अदिश राशि है, ऑप्शन डी सही है, चाल। अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा का निर्धारण न किया जाए, और सदिश राशि मतलब दिशा के साथ, जिसमें दिशा का भी बोध हो कि हाँ इस दिशा में इतना विस्थापन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पाँच, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन सी सही है, प्लास। जबकि चिमटा और सरोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर छः, एक अश्वशक्ति बराबर है, ऑप्शन बी सही है, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर सेवन, पलायन वेग का मान है, इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर एट, एक बार बराबर होता है, ऑप्शन बी सही है, 10⁵ न्यूटन प्रति मिनट क्यूब, मीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर नाइन, दाब पी होता है इक्वल टू एच डी जे, हाइट डिस्टेंस इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों का मल्टीप्लाई प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर इलेवन, दूध की शुद्धता मापी जाती है, ऑप्शन बी सही है, लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर ऑप्शन ए, इससे वायु का वेग मापा जाता है। एमीटर से धारा मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व,
क्वेश्चन नंबर 12, एक पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं, ऑप्शन ए सही है, ससंजक बल। क्वेश्चन नंबर 13, दो भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं, असंजक बल। जब समान परमाणु होंगे तब ससंजक बल, जब दो भिन्न परमाणुओं के बीच बल लगेगा तो असंजक बल। क्वेश्चन नंबर 14, पृष्ठ तनाव का मात्रक है, ऑप्शन बी सही है, जूल प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, ऑप्शन ए सही, केशिका तत्व के गुण होने के कारण वो स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं क्योंकि जब साबुन जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आदर्श तरल की श्यानता होती है, ऑप्शन ए सही है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 18, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता ... जाती है, ऑप्शन सी सही है, घट जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस की श्यानता बढ़ जाती है जब ताप ... जाता है, जब ताप बढ़ जाता है तब गैस की श्यानता भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, श्यानता का मात्रक नहीं है, ऑप्शन डी सही है, इसमें मीटर लंबाई का मात्रक है और सभी श्यानता का मात्रक है। और क्वेश्चन नंबर 21, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को कहते हैं, ऑप्शन ई सही है, प्रतिबल। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, ऑप्शन ई सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे और सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।